अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलाद कमेटी अहले बैत चौक और अपने जो सो उमर फारूक चौक मिलाद कमेटी जो सो इंशाअल्लाह ताला 14 रबीउल अव्वल और अपने क्या बरोज़ हफ्ता बाद नमाज की क्या तारीख है 30 तारीख के दिन जो सो नातिया महफिल के साथ मिलाद मुस्तफ़ा का जश्न मनाई दिया जाएगा एते भर चौक अहले बैत चौक के ऊपर। गणेश विसर्जन के आने से और जो है सो मिलाद नबी के सेम डे आने की वजह से जो है सो इस साल हम जो डेकोरेशन नहीं करें, गवर्नमेंट को पुलिस को पूरा कोऑपरेट करें, हमको भी मालूम था कि हालात क्या है क्या नहीं क्या ख़राब हो सकते, इसलिए जो है सो हम पूरा कोऑपरेट करें, उन लोग भी हमारे साथ राउंड मीटिंग करें, 4-5 मीटिंग करें, DCP साहब सब जने मिल के मीटिंग करें हमारे साथ और खैर हम भी कोऑपरेट करें, उन्होंने भी हमारा फेवर लिए। इंशाल्लाह ताला अगले साल जो है सो डबल जो है सो जश्न मनाया जाएगा ईद का। तो आप सभी आवाम से गुजारिश है कि 14 रबी अव्वल 30 तारीख के दिन जो है सो मिनात महफिल मनाई जाएंगी अहले बैत चौक के ऊपर और उमर फारूक चौक की कमेटी मिलाद कमेटी वो भी रहेंगी हमारे साथ में, चौधरी साहब भी रहेंगे हमारे। तो इंशाल्लाह ताला 14 रबी अव्वल को अहले बैत चौक पे जो नातिया महफिल का एहतमाम किया जा रहा है, आप लोगों की शिरकत की गुजारिश है। और रही बात आवाम से, मैं गुजारिश करता हूँ कि बेवजह घर पे बाहर मत निकलिए, तो भी उलमाए मशायखीन को भी जो है पॉलिटिकल लीडर भी अपील करे हैं कि अमन और पीसफुल तरीके से जो है पीसफुल तरीके से आप अपने अपने हिसाब के अपने घरों में अपने महलों में मनाएं ईद मनाएं आप, और जो है सो उनके भी ईद का जो है सो गणेश विसर्जन का आप एहतमाम कीजिए और जो है सो उनके साथ कोऑपरेट करिए, पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करिए। बेवजह घरों के बाहर नारे लगाना, रैलियां निकालना, झंडे ले लेके फिरना ये अच्छी चीज़ नहीं है, समझे। रोजे रहिए आप जो है सो इंशाल्लाह ताला नातिया महफिल करिए आप अपने अपने महलों में और जो है सो पुलिस को भी कोऑपरेट करिए, गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करिए, सबको कोऑपरेट करिए।